हाँ जी दोस्तों, ऑटोमोबाइल मार्केट में अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। भारत में भी अब तक कई कंपनियों ने सड़कों पर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतार दी हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत फिलहाल चार्जिंग स्टेशन की है। ऐसे में दिल्ली ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मार्केट को बूस्ट करने के लिए कई प्लान्स बनाए हैं। दिल्ली सरकार की यहाँ कोशिश है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक वाहन है तो उसे चार्ज करने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े और उसके आसपास ही चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हाल ही में शहर में हर 3 किलोमीटर के बाद ईवी चार्जिंग स्टेशन की योजना की रूपरेखा तैयार की है। वर्ल्ड बैंक और WRI रोज सेंटर द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में बोलते हुए गहलोत ने ईवीएस को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में अपनी सरकार के दबाव को रेखांकित किया। उन्होंने आगे कहा कि हम हर 3 किलोमीटर के भीतर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को खरीद प्रोत्साहन भी दे रहे हैं जो निजी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना चाहता है। गहलोत ने दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति से संबंधित ईवी सब्सिडी की खरीद और प्रोत्साहन के बारे में बताया, जिसे CM अरविंद केजरीवाल ने 2020 के अगस्त में वापस शुरू किया था। हाल ही में केजरीवाल ने ईवीएस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया और कहा कि उनकी सरकार सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए केवल 6 सप्ताह के लिए बैटरी चालित वाहनों को काम पर रखेगी। केजरीवाल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, बाजार एसोसिएशन, मॉल और सिनेमा हॉलों में बैटरी से चलने वाले वाहनों की सुविधाजनक पावरिंग के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए भी कह रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।